हर पन्ने पे तकलीफ के राही नाम राधे लिखता गया कि हर पन्ने पे तकलीफ के राही नाम राधे लिखता गया, जिसने सुन समझा मुझे बस यूं कुछ शायर राही बिकता गया। अर्ज़ किया है कि किराने पे नहीं बिकता अब सामान उतना जितना अब इश्क बिका करता है, कि किराने पे नहीं बिकता अब सामान उतना जितना अब इश्क बिका करता है। लफ्ज़ों से बयां करता है जज्बात रूह के, लफ्ज़ों से बयां करता है जज्बात रूह के, मगर हर जिस्म पे निगाह रखता है। एक शेर है, सुनिएगा कि वक्त सही था नीयत सही थी, सूरत पे सच्चाई सीरत सही थी। कि वक्त सही था नीयत सही थी, सूरत पे सच्चाई सीरत सही थी, इश्क सही था अब भी ये ख्याल है। इश्क सही था अब भी ये ख्याल है, मगर इश्क था जिससे उस शख्स पे सवाल है। कि अर्ज़ किया है कि आंखें तुम पढ़ ना सके लफ्ज़ों से हालात तुम्हें क्या बताते, आंखें तुम पढ़ ना सके लफ्ज़ों से हालात तुम्हें क्या बताते, और दो आंसू संभले नहीं तुमसे हमारे साथ तुम्हारे ज़िंदगी क्या बिताते। थैंक यू। और सुनिएगा कि हैरान हूँ तेरे फैसलों से मैं खुदा, हैरान हूँ तेरे फैसलों से मैं खुदा, इश्क पाक है अगर तेरा हर शागिर्द बेवफा क्यों। कि हैरान हूँ तेरे फैसलों से मैं खुदा, इश्क पाक है अगर हर तेरा हर शागिर्द बेवफा क्यों। कि सच्चे इश्क के हिस्से आए अश्क सदा, सच्चे इश्क के हिस्से आए अश्क सदा, बेवफाई में इतना नफा क्यों। और सुनिएगा कि नामंजूर है, ये कुछ दोस्तों के लिए जो मतलब की दोस्ती रखते हैं, उनका सिर्फ शाम को मिलने का प्लान होता है, बाकी आप तकलीफ़ में हो दुख में हो उससे कोई मतलब नहीं होना है। तो उनके लिए है कि नामंजूर है मिलना तेरा झटपटी शाम में मेरे दोस्त, नामंजूर है मिलना तेरा झटपटी शाम में मेरे दोस्त, तुम इससे मुझसे मिल ले दिन के उजाले में आया कर। कि नामंजूर है मिलना तेरा झटपटी शाम में मेरे दोस्त, तुम मुझसे मिल ले दिन के उजाले में आया कर। और मतलब के रिश्ते तो राहगीर भी निभा देते हैं, और मतलब के रिश्ते तो राहगीर भी निभा देते हैं, तू ये दोस्ती का पाक रिश्ता मुझसे बिना मतलब के निभाया कर। एक शेर है कि खुदा करे इश्क मेरा तेरा मुखातिब हो जाए, खुदा करे इश्क मेरा तेरा मुखातिब हो जाए, हद में रहकर भी बेहद हो जाए। एक शेर है, अर्ज किया है कि खुद को ही तोहफा दे संभाल लिया करता हूँ, खुद को ही तोहफा दे संभाल लिया करता हूँ, अब तेरे तरीके से क्यों यूं मैं अपना ख्याल किया करता हूँ। हमारी जो माँ है वो आखिरी पीढ़ियाँ जिन्हें डिजिटल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद की जो भी हैं सबको उससे मतलब है। तो सुनिएगा कि शीर्षक है ममता की आखिरी पीढ़ी, कि खुलती आँख सात किरणों के माँ चिड़िया सी चहचाती थी, खुलती आँख सात किरणों के माँ चिड़िया सी चहचाती थी, भोर होती थी बाद आंगन में माँ पहले जग जाती थी। कि उठते ही झुकती थी नज़र उसकी बड़ों के सम्मान में, कि उठते ही झुकती थी नज़र उसकी बड़ों के सम्मान में, टेक माथा माँ श्री चरणों में फिर दिनचर्या बढ़ाती थी। कि कंठ से उतरे जल बाद पिता के, कंठ से उतरे जल बाद पिता के, माँ पहले नहा आती थी, उसकी पायल की खनक से नींद मेरी भी खुल जाती थी। कि उसकी पायल की खनक से नींद मेरी भी खुल जाती थी, खुलती आँख के साथ ही माँ का चेहरा सामने होता था, खुलती आँख के साथ ही माँ का चेहरा सामने होता था, कैसे जाता दिन बुरा माँ माथा मेरा चूम जाती थी। कि जैसे जैसे बढ़ता दिन, जैसे जैसे बढ़ता दिन जिम्मेदारी माँ पे बढ़ती थी, कि जैसे जैसे बढ़ता दिन जिम्मेदारी माँ पे बढ़ती थी, वो जननी है वो ही जाने कैसे पूरा करती थी। कि जैसे जैसे बढ़ता दिन जिम्मेदारी माँ पे बढ़ती थी, वो जननी है वो ही जाने कैसे पूरा करती थी। एक और काम पिता के और एक और पुकार बुजुर्ग, एक और काम पिता के एक और पुकार बुजुर्ग, दोनों की पुकार पे माँ दोनों जगह ठहरती थी। कि ना ज्ञान विज्ञान का ना कोई पुस्तक ज्ञान उसे, ना ज्ञान विज्ञान का ना कोई पुस्तक ज्ञान उसे, सेवा सम्मान और ममता बस रहता था ध्यान उसे। कि तामझाम और ये श्रृंगार माँ की श्रेणी में नहीं आता था, तामझाम और ये श्रृंगार माँ की श्रेणी में नहीं आता था, मेरी शरारतों पे जब हंसती थी माँ से चेहरा उसका सज जाता था। कि खुलती आँख सात किरणों के माँ चिड़िया सी चहचाती थी, भोर होती थी बाद आंगन में माँ पहले जग जाती थी।
कि फिर होगी मुलाकात कहीं जरा दूर सही जरा देर सही।